पर पांच नंबर के खिलाड़ी मरजोत ने बॉल को क्लियर किया, सात नंबर के पास दिया ने अपने हाथों में बाल को महफूज किया। अच्छा मुकाबला, खूबसूरत तरीके से बाल को आगे की तरफ आ रहे हैं, छोटे छोटे पास नंबर में दे रहे हैं, प्यारे अंदाज के साथ एक खिलाड़ी को दाएं देने की कोशिश, सीधा पास दिया मुजम्मिल को, छह नंबर के खिलाड़ी बाल को सीधा क्रॉस लगाया और यहां पर डिफेंडर मौजूद थे, बड़े इत्मीनान के साथ बाल को छीन लिया। फयाज मामे सामने मौजूद थे लेकिन दोबारा बदले करके खिलाड़ी ने अपने रनआउट की पोजीशन पर सीधा पास दिया और बाल इनायतुल बारह नंबर के खिलाड़ी बाल को कंट्रोल किए हुए खिलाड़ी को डांस किया, सीधा पास देना चाहते थे अपने सानी को, दूसरे को भी डांस देने की कोशिश और यहाँ पर सेंटर बाल को पास देना चाहते थे लेकिन बाल साइड लाइन से बाहर चली गई। खूबसूरत अंदाज के साथ मैंने खेल की टीम एक गोल के खसारे में जरूर है लेकिन पूरी मेहनत के साथ लगी हुई है, देखते हैं खसारे को कैसे पूरा कर लेते हैं बाल को। पास दिया राइट आउट की जा रहे डिफेंडर साथ साथ को ऐसे किक किया, बॉल काफी ऊपर चली गई। मुजम्मिल छह नंबर की शर्ट पहने हुए फ्री किक गजनी खैर के हक में, पहला हाफ मुकाबला एक एक गोल से बराबर रहा। फ्री किक गजनी खैर के हक में किक टांग के हाफ में हेड किया मामे ने, यहां पर डिफेंडर मौजूद, बाल दोबारा गजनी खेल के हाफ में लेफ्ट आउट की पोजीशन पर, साइड लाइन से बाहर थ्रो गजनी खेल के हक में, मामे बाल मिली दस नंबर के, टच दिया एक खिलाड़ी को राइट आउट की जाने फेंका बाल को, रोका डिफेंडर साथ साथ डांस दिया, आगे बढ़ रहे हैं, क्रॉस लगाया डी के अंदर, मामे मौजूद थे लेकिन हेड ना लगा सके, मिस कर गए दूसरे खिलाड़ी भी, अभी तक बाल टांग के खिलाड़ियों के पास। काफी मजबूत दिफा गजनी खैर का, पाल मिली पास दिया लेकिन यहां पर चार नंबर की शर्ट पहने हुए रियाज, मामे बाल तक ना पहुंच सके, बाल छीन ली मामे से, अच्छा पास यहां पर सेंटर ऑफ, बाल को रोका खिलाड़ियों के सामने, पास दिया और वहीं से किक किया लेकिन निशाना खता, के लिए खतरा टल गया। खूबसूरत अंदाज के साथ यहां पर बाल को क्लियर किया और मजीद कमेंट्री के लिए नसीम भाई शुक्रिया। शबाब आज का मुकाबला शाहीन टांग मुकाबला कर रही है गजनी खैर,
मुकाबला एक एक गोल से बराबर, बाल को हासिल करने में कामयाब, तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, पास दिया मामे, आगे रहे और बाल पीछे, बाल अभी तक राइट और की बुद्धि पर क्रॉस लग गया, निशाना खता मामे का, क्या बेहतरीन मौका था, सारी दूसरा रहमतुल्ला तुली उस्ताद दोनों टीमें काफी मुतवाजन, नाजरीन को अच्छा फुटबॉल देखने को मिलेगा। गोलकीपर जावेद किक लगाया, बाल को रोकना चाहा, साइड लाइन से बाहर, साइड थ्रो गजनी खेल के हक में, लंबी थ्रो हेड किया डिफेंडर ने और बाल को रोका गजनी खेल के, शिनवारी की जानिब से नाजरीन 3000 रुपए नकद ऐलान मामे के लिए और पूरी टीम के लिए वर्दी भी लाके लाए हैं और स्टेज पे तैयार रखा है और शाम का खाना शिनवारी के होटल में होगा शाहीन के टीम के खिलाड़ियों का। दावत है शिनवारी की जानिब से, बाल मिली है, 7 नंबर की शर्ट पहने हुए और अली हैदर 11 नंबर के खिलाड़ी की बॉडी से लगती हुई वापस रिबाउंड होके आई, साइड लाइन से बाहर थ्रो टांग के हक में, 5 नंबर के खिलाड़ी मौजूद थे, बाल को क्लियर किया हुए, 7 नंबर के पास दिया, 8 नंबर फयाज मामे को और सीधा पास ही ना चाहते थे, अपनी साथ से बाल टकराती हुई बाल गोलकीपर की तरफ आई और गोलकीपर ने अपने हाथों में बाल को महफूज किया। अच्छा मुकाबला, खूबसूरत तरीके से बाल को आगे की तरफ आ रहे हैं, छोटे छोटे पास बाबर में दे रहे हैं, प्यारे अंदाज के साथ खिलाड़ी को दाव देने की कोशिश, सीधा पास दिया मुजम्मिल को, 6 नंबर के खिलाड़ी बाल को सीधा क्रॉस लगाया और यहां पर डिफेंडर मौजूद थे, बड़े इत्मीनान के साथ बाल को छीन लिया, फयाज मामे सामने मौजूद थे लेकिन दोबारा बदली करके खिलाड़ी ने अपने राइट आउट की पोजीशन पर सीधा पास दिया और बाल इनायतुल्लाह 12 नंबर के खिलाड़ी बाल को कंट्रोल किए हुए खिलाड़ी को डांस किया, सीधा पास देना चाहते थे अपने सानी को, दूसरे को डांस देने की कोशिश और यहाँ पर सेंटर बाल को पास देना चाहते थे लेकिन बाल साइड लाइन से बाहर चली गई, खूबसूरत अंदाज के साथ मैंने देखा की टीम एक गोल के खसारे में जरूर है लेकिन पूरी मेहनत के साथ लगी हुई है, देखते हैं खसारे को कैसे पूरा कर लेते हैं, बाल को अभी तक बाल को कंट्रोल किए हुए, बैक पास अपने साथी को दोबारा दो खिलाड़ी को जांच किया और इसको दोबारा बाल दी क्रॉस लगाया, हेड के जरिए यहाँ पर डिफेंडर मौजूद थे, 3 नंबर के खिलाड़ी आए टांग के और असलम 3 नंबर के दो खिलाड़ियों के पीछे पे से सीधा बाल को निकाला, सीधा पास दिया लेफ्ट आउट की पोजीशन पर, यहाँ पर इनायतुल्लाह का सीधा पास अपने साथी के जाने Thank you.